Challenge जॉर्जिया मेलानी G7 के अंदर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है और इसके साथ सेल्फी विद मोदी भी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। लेकिन मोदी जी के साथ मेलानी का बिहेवियर बहुत ही जबरदस्त, लेकिन फ्रांस के मैक्रोन के साथ बहुत ही वियर्ड किस्म के रिएक्शन मेलानी के सामने आ रहे हैं। सो दुनिया की खबरों पे भी जरा नजर डालते हैं कि बाहर क्या चल रहा है। बट स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो इटली और फ्रांस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये इसलिए क्योंकि ये वीडियो देखिए। वीडियो में 5 सेकंड में समझ में आता है कि आखिर इटली की पीएम को फ्रांस के राष्ट्रपति पसंद है या नहीं। ये सब कुछ एक्सप्रेशन बयां कर रहा है। फिलहाल इस वीडियो के बाहर आने के बाद कई तरह की खबरें हैं। खबर है कि G7 के दौरान इटली ने फ्रांस को खरी खोटी मंच से ही सुना दी है। अब ये पूरा मामला क्या है जरा समझाते हैं आपको विस्तार से कि आखिर इटली और फ्रांस में क्या चल रहा है। G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत, अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी समेत कई देशों के बड़े नेता इटली पहुंचे। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने सभी का शानदार अंदाज में वेलकम किया। इस दौरान अब जो वीडियो सामने आया उसमें ये कहा जा रहा है कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। दोनों ही नेता इस समिट के दौरान एक दूसरे से खिंचे खिंचे दिखाई दिए। दोनों के बीच वो गर्मजोशी नहीं दिखी जो दूसरे नेताओं के बीच देखने को मिली। मेलोनी और मैक्रोन की मुलाकात के 5 सेकंड का एक वीडियो भी इस बात का गवाह है और इसे लोग खूब शेयर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मेलोनी की बॉडी लैंग्वेज ने उनके तल्ख रिश्तों की पोल खोल कर रख दी है। वो सब कुछ लोगों के सामने आ गया है जिसे लोग नजरअंदाज कर रहे थे। वीडियो में मैक्रोन मेलोनी से हाथ मिलाकर कुछ कह रहे हैं, लेकिन इसके जवाब में मेलोनी में बिल्कुल भी गर्मजोशी दिखाई नहीं दी। ऐसा लग रहा है कि जैसे मेलोनी ने महज फॉर्मेलिटी भर के लिए मैक्रोन से हाथ मिलाया और उन्हें झट से थैंक यू कह दिया। महज 5 सेकंड के इस वीडियो ने दोनों के बीच तल्खी को उजागर कर दिया है। दरअसल इस पूरे बर्ताव के पीछे कहानी यूरोपियन यूनियन चुनाव और G7 में अबॉर्शन के मुद्दे से भी जुड़ा हुआ है। कहा जा रहा है कि इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की इस बॉडी लैंग्वेज की वजह कुछ दिन पहले यूरोपियन संघ चुनाव में हार के बाद संसद को भंग कर मध्यावधि चुनाव करवाने का मैक्रोन का वो ऐलान भी माना जा रहा है। मेलोनी ने तो मैक्रोन पर G7 मंच का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए करने का भी आरोप लगा दिया। इटालियन मीडिया के मुताबिक मेलोनी ने कहा, मुझे लगता है कि ऐसे कठिन समय में G7 जैसे अहम मंच का उपयोग करके प्रचार करना बहुत गलत है। G7 समिट में भी मैक्रोन और मेलोनी के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। दरअसल गर्भपात अधिकार के मुद्दे पर G7 नेताओं और मेलोनी की राय बटी हुई है। मेलोनी इस मुद्दे पर क्या सोचती है ये बात किसी से भी छुपी हुई नहीं है। वहीं G7 में ड्राफ्ट स्टेटमेंट में अबॉर्शन राइट्स पर भाषा को कमजोर करने के लिए मैक्रोन ने जब इटली की पीएम की आलोचना की तो ये बात मेलोनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मेलोनी ने मैक्रोन पर चुनाव प्रचार के लिए G7 मंच का इस्तेमाल करने का तब आरोप लगा डाला। फिलहाल दोनों ही नेताओं के बीच तल्ख रिश्तों की कहानी अब ये वीडियो दिखा रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 27 सदस्यों वाले यूरोपियन यूनियन संघ में भी मेलोनी की धाक देखने को मिली है। यूरोपियन संघ के संसदीय चुनाव में जहां मैक्रोन की पार्टी को करारी हार मिली है तो वहीं दक्षिणपंथी दलों का दबदबा बढ़ा है। मेलोनी की पार्टी की सीटें संसद में दोगुनी हो गई हैं और माना जा रहा है कि हार को देखते हुए मैक्रोन ने रविवार को संसद को भंग कर मध्यावधि चुनाव करवाने का ऐलान किया और इसी वजह से दोनों नेताओं के बीच तल्खी दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और इतने बुरे रिएक्शन जॉर्जिया मेलोनी के मैं बता नहीं सकती। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो जो है ना स्टेज से कहीं गायब हो जाए और वो मैक्रोन को बिल्कुल भी वेलकम नहीं करना चाहती थी। जब वो पहले पर्सन के पास गए मैक्रोन तब भी उनको बहुत ज्यादा गुस्से से देख रही थी, जब दूसरे के पास जाते तभी, और जब मैक्रोन हाथ बढ़ाते हैं जॉर्जिया के लिए तो जॉर्जिया उनको गुस्से से देखती है और बहुत ही जिसे बोलते हैं ना ऑफेंसिव किस्म का मजबूरी का नाम शुक्रिया यहाँ पर ये सीन हुआ और इस तरह से देखती है और ये सब चीज कई कैमरों में रिकॉर्ड हो रहा है। सो जैसे उन्होंने बोला कि अबॉर्शन राइट को लेके जो है इस वक्त यूरोप के अंदर तहलका मचा हुआ है और मैंने इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा स्ट्राइक्स वहां पर देखी भी हैं। मुझे समझ नहीं आती मगरिब क्यों तबाही की तरफ जा रहा है। मगरिब का फैमिली निज़ाम बर्बाद हो चुका है। मगरिब के अंदर मुझे लगता है कि आने वाले जो बच्चे हैं जो 2022, 23, 24, 25 एंड ऑन वर्ड जो जिन्होंने जन्म लिया है मेरे ख्याल से वो फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा बदनसीब बच्चे होंगे, क्योंकि यूरोप ने
खुद को इस यूरोप ऐसे ट्रीट करता है कि हम इंसान नहीं है, हम एनिमल्स हैं, एक दूसरे को एनिमल्स की तरह ट्रीट करें। और अब वहां की जो गर्ल्स हैं वो कह रही हैं कि अबॉर्शन करवाना और बच्चों को मतलब कि दुनिया में लाना ये ना लाना, और ये अब हमारा राइट है। तो मैं ये कहूंगी कि आप किसी की जान लेने से बेहतर ये है कि आप प्लानिंग करें, वो ज्यादा बेहतर है। और रोड सड़कों पर ये निकलती हैं विमेन, और मैं ये कहूंगी कि इन लोगों के ना इस तरह की जो प्लानिंग है या जो बिहेवियर है जो रोड्स पे आके निकल के ये बोलते हैं कि हम अपनी जो भी डिमांड्स है वो पूरी नहीं करेंगे, इनको देख के जो बाकी कंट्रीज के लोग हैं वो भी अपने माइंड में ऐसा कुछ लाते हैं। राइट के लिए आप आओ, आपको आवाज विमेन को, किसी का कत्ल तो हाँ, विमेन को फ्रीडम हासिल है, वो अपना पसंद का पार्टनर चुन सकती है, वो जॉब कर सकती है, वो जब चाहे शादी कर सकती है, जब चाहे नहीं कर सकती है, जब चाहे डिवोर्स ले सकती है, सारे राइट्स हैं उसको। लेकिन जो राइट अब यूरोप की गर्ल्स या मगरिब दुनिया मांग रहा है, मुझे लगता है कि वो डायरेक्टली, जैसे नायला ने कहा, ये इनडायरेक्टली किलिंग है मासूम बच्चों की। मतलब आप अपनी इंजॉयमेंट के लिए कुछ भी करो। और अभी एक और भी तो बहुत वाक्या वायरल हुआ था पीछे, एक माँ अपनी छोटी सी बच्ची को अपने रूम में लो करके वेकेशन के लिए जब चली गई 11 दिन के लिए, और जब वापस आई वो छोटी सी बच्ची ना था, वो कुछ कर सकती इतनी सी कितनी को होगी, और वो जब आए तो उसकी डेथ हुई थी। तो सोचिए वो बच्ची ने भूख से कितना चिल्लाया होगा, उस बच्ची को प्यास लगी होगी, और वो पता नहीं क्या होता जा रहा है। लेकिन दोस्तों हम बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हैं इंडिया और पाकिस्तान के लोग, क्योंकि हमारा जन्म एक फैमिली में होता है, हमें दादा दादी का प्यार मिलता है, नाना नानी का प्यार मिलता है, मौसी का, मामू का, चाचा का, और हमारी माँ, हम जितने मर्जी बड़े हो जाएं हम अपनी माँ के लिए हमेशा बच्चे ही रहते हैं। सो राइट टू अबॉर्शन, मैं ये को ये भी नहीं है कि नहीं होना चाहिए लड़की को, ये उसकी मर्जी है कि वो किसको लेने। लेकिन अब आप मुसलसल इस चीज को पकड़ लो कि हमने घर नहीं बसाना और हमने बस अबोर्ट 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 ही करते रहना है, तो ये चीजें मुझे ऐसा लगता है कि या तो प्रॉपर प्लानिंग करो, बच्चों को लेके ही ना हो, और अगर आप प्लान करके लेके आ रहे हो तो फिर बच्चों को जन्म दो, ठीक है। मर्डर तो फिर मर्डर ही होता है, पेट के अंदर हो या पेट से बाहर हो। तो ये चीज, ये मेरी एक ओपिनियन है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस तरह की चीजें ना फैलें। जो बच्चा आपकी कोप में है उसका क्या कसूर है, ठीक है, आप रिस्पॉन्सिबल हो उसको इस दुनिया में लाने के। लेकिन खैर जॉर्जिया भी सपोर्ट कर रही है इसको, और मैक्रोन का वो कह रही है कि G7 को पॉलिटिक्स के लिए नहीं यूज करना चाहिए। खैर ये तो यूरोप के मसले हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये कहूंगी कि मेलोनी इस वक्त ट्रेंड इस वजह से ज्यादा कर रही है क्योंकि वो मोदी जी को बहुत ज्यादा स्क्रीन दे रही है, ठीक है, और ये चीजें जो है 140 करोड़ आवाम को बहुत ही पसंद आ रही है। तो ये थी आज की वीडियो, आपकी क्या राय कमेंट्स में शेयर करें, मिलता है अगले प्रोग्राम में।